खबर को रुख करेंगे। रायपुर से इस वक्त मिल रही है बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहाँ पर सीओ सिद्दीकी आज वॉइस सैंपल देंगे। अंतागढ़ चेतकांड मामले में वॉइस सैंपल देंगे सहमति के बाद। एसआईटी ने नोटिस भेजा, एसआईटी के नोटिस पर देना होगा वॉइस सैंपल। कल मंतुराम पवार ने 12 मिनट तक वॉइस सैंपल दिए थे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, अंतागढ़ टेपकांड का ये पूरा मामला है। सहमति के बाद एसआईटी ने नोटिस भेजा और एसआईटी के नोटिस के बाद आज फिरोज सिद्दीकी अपना वॉइस सैंपल देंगे। कल मंतुराम पवार ने 12 मिनट तक अपने वॉइस सैंपल दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत हेमंत, काफी नाव नुकुर के बाद आखिरकार अब अंतागढ़ टेपकांड मामले में जितने भी दोषी हैं अब उन्होंने वॉइस सैंपल देना शुरू कर दिया है। मंतुराम पवार ने शुरुआत की, आज फिरोज सिद्दीकी भी देंगे। हाँ देखिए, अंतागढ़ टेपकांड मामले को लेकर एक बार फिर से जांच शुरू हुई है, क्योंकि काफी दिनों तक जांच अटकी थी और जांच अटकने का कारण था कोर्ट का जो आदेश था। यहाँ पर जो जिला कोर्ट है उन्होंने ये आदेश दिया था कि वॉइस सैंपल आरोपियों का ना लिया जाए, क्योंकि जब एसआईटी ने सभी आरोपियों का वॉइस सैंपल लेने यहाँ पर कोर्ट में आवेदन लगाया था तो याचिका को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद से एसआईटी ने हाईकोर्ट की शरण ली, हाईकोर्ट से फिर इसमें मंजूरी मिली। अब अगर बात की जाए तो जो अंतागढ़ टेपकांड के प्रमुख आरोपी है मंतुराम पवार, वो अपनी इच्छा से कल एसआईटी के दफ्तर पहुंचे। एसआईटी के दफ्तर में प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको मेकार अस्पताल, जो ऑडियोलॉजिकल विभाग है जहां पर साउंड प्रूफ एक कमरा है, वहां पर उनका वॉइस सैंपल लिया गया। जो टेप अंतागढ़ को लेकर जारी हुआ था और जो आवाज मंतुराम की है उसी आवाज को यहाँ पर रिपीट कराया गया है, सीडी में उसको डालकर चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। मंतुराम पवार ने कल साफ तौर पर ये कहा है कि मैं इस मामले को जल्द ही पटापेक्ष करना चाहता हूं और लोग भी इसमें सहयोग करें, जो बाकी आरोपी हैं, चाहे वो अजीत जोगी की बात हो, चाहे अमित जोगी की बात हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता की बात हो। उन्होंने सीधे तौर पर सभी पर आरोप लगाया कि डर के कारण ये वॉइस सैंपल देने के लिए नहीं आ रहे हैं। हालांकि आज की ताजा अपडेट की बात की जाए तो जो प्रमुख गवाह हैं अंतागढ़ टेपकांड के, फिरोज सिद्दीकी, जो अभी ब्लैकमेलिंग मामले में जेल में बंद थे, अभी अभी जो वो छूट के आए हैं, और उनको आज एसआईटी के दफ्तर 11 बजे बुलाया गया है, उनका भी वॉइस सैंपल लिया जाएगा। फिरोज सिद्दीकी की बात की जाए तो कल ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने बयान जारी कर वॉइस सैंपल के लिए सहमति जता दी थी और कहा था कि मेरे उस वॉइस सैंपल देने से कई तरह के खुलासे होंगे। तो आज फिरोज सिद्दीकी के यहाँ पर वॉइस सैंपल लिया जाएगा। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जांच अब काफी तेज इसमें हो रही है और निश्चित तौर पर बाकी अगर आरोपियों की बात की जाए तो एसआईटी ने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि बाकी जो तीनों आरोपी हैं उन्होंने सहमति नहीं जताई है वॉइस सैंपल के लिए, इसलिए कोर्ट मेरा सवाल भी यही है कि अगर बाकी के आरोपी, और जिस तरह से मंतुराम पवार ने इनिशिएट करके खुद के वॉइस सैंपल दे दिए हैं, आज फिरोज सिद्दीकी के वॉइस सैंपल भी रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, लेकिन अगर डॉक्टर पुनीत गुप्ता की बात करें तो कई गंभीर आरोप उन पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, ना केवल अंतागढ़ टेपकांड बल्कि और अजीत जोगी, अमित जोगी, जोगी एंड कंपनी, आखिर इनको दिक्कत क्या है? क्योंकि जिस तरह से राजनीति आप करते आ रहे हैं उस राजनीति में तो हर चीज जायज है, फिर अगर आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों को निराधार साबित करने का मौका, आप वॉइस सैंपल देने से क्यों घबरा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ा सवाल है रस, क्योंकि एक किसी भी जांच की एक प्रक्रिया होती है, अगर किसी मामले में किसी को आरोपी बनाया गया है तो वो जांच में सहयोग करे, अगर वो गलत है या सही है वो जांच के बाद तय होगा, कोर्ट तय करेगी, लेकिन उससे पहले इस तरीके से वॉइस सैंपल देने से मना करना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कुछ किसी न किसी तौर पर ये चीजें छुपाई जा रही है। इसी तरीके का आरोप कल मंतुराम पवार ने लगाया, उन्होंने कहा कि ये तीनों सिर्फ इसी नाम से वॉइस सैंपल नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मंतुराम पवार ने कल बेहद गंभीर आरोप लगाए थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर, उन्होंने जान का खतरा भी बताया था और साफ तौर पर कहा था कि अंतागढ़ टेपकांड में प्रमुख भूमिका इन दोनों की थी,
रमन सिंह ने अमित और अजीत जोगी को आदेश दिया था और अजीत जोगी अमित जोगी ने उनको दबाव डाला कि आप नाम वापस लें, बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल नहीं उड़ता है कि आखिरकार अजीत जोगी, अमित जोगी और डॉक्टर पुनीत गुप्ता वाइस सैंपल देने आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल बाकी में। और हेमंत, एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से वॉइस सैंपल लिए जा रहे हो, जो अब फिरोज सिद्दीकी आज दे देंगे, मंतुराम पवार ने कल दे ही दिया है, डॉक्टर पुनीत गुप्ता ये वॉइस सैंपल देने से इनकार कर रहे हैं, जोगी एंड कंपनी भी इनकार ही कर रही है। अगर इनके भी वॉइस सैंपल ले लिए जाते हैं और ये सैंपल अगर फॉरेंसिक लैब में अगर उनसे रिलेट कर जाते हैं और मैच कर जाते हैं, तो कितनी कितना बड़ा राजनीतिक भूचाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस तो शुरू से इस पूरे मामले में बहुत ही अटैकिंग मोड में नजर आ रही है, ना कि जब वो विपक्ष में थी तब भी, अब तो सरकार में है तो भी। देखिए, बाकी आरोपियों की भी बात अगर छोड़ दी जाए तो जो दोनों मेन इसमें कड़ी हैं, मंतुराम पवार और फिरोज सिद्दीकी, और इनका ही वाइन सैंपल अगर जांच में अगर निकल कर सामने आता है और सही पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा बवाल छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। हालांकि तीनों आरोपियों को ने अभी तक वाइस सैंपल के लिए उन्होंने सहमति नहीं जताई है, एसआईटी कोशिश कर रही है। और जब से एसआईटी का गठन हुआ है, हम याद है कि दिसंबर 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब एसआईटी का गठन किया गया, उसके बाद से यहाँ पर जाँच की गई, एक FIR दर्ज की गई थी कांग्रेस नेत्री किरणमय नायक के द्वारा पंडरी थाने में, उसके बाद से जो जाँच है वो आगे बढ़ी थी। एसआईटी एक साल से इस बात की कोशिश कर रही थी कि जो मामले के सभी आरोपी हैं उनका वो वॉइस सैंपल ले, क्योंकि जो टेप आया है उसका मिलान करना जरूरी था, तभी जो सच्चाई है मामले की वो सामने आ सकती थी। अब इसमें सफलता मिलती है, एसआईटी को दिख रही है, दो जो यहाँ पर आरोपी हैं, एक प्रमुख गवाह है एक प्रमुख आरोपी है, दोनों की एक की वॉइस सैंपल ली जा चुकी है और आज एक की वॉइस सैंपल ले ली जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में पटाक्षेप तो उस वक्त ही होगा जब जितने भी आरोपी बताए जाते हैं उनके भी वॉइस सैंपल ले लिए जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में मुद्दा कोई भी हो, जब वो सामने आता है तो लगता है